हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद संध्या हस्ताक्षरी भी। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको सिंप्लीफाई करना है, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो इस वाले में भी हमें आइडेंटिटीज़ जो होंगी उसमें यूज़ होगी वो हमें यूज़ करना होगा, और जिसमें नहीं होगी उसका तरीका थोड़ा अलग होगा, तो वो भी हम करेंगे। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दिया है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसकी फॉर्म क्या चेंज होगी, जैसे कि इसको हम चेंज करें तो क्या होगा, ये ए ए माइनस बी, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस टू ए बी, ठीक है। अब ये वाली आइडेंटिटी जो आपने पिछले वीडियोस में भी यूज़ किया है, इसको कैसे करते हैं, तो ये तो बहुत इजी है, ठीक है। तो अब आगे आप क्या करना होगा आपको इसमें, अब इसमें हम इसके साथ पुट कर लेंगे। अब ए की जगह क्या आ जाएगा आपका, ए का स्क्वायर आएगा, ठीक है। देखिए ए की जगह ए का स्क्वायर आया, अब फिर बोला क्वेश्चन के साथ भी एक स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, बाहर लग जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन के साथ स्क्वायर है तो वो हम अंदर लगा लेंगे, और जो फॉर्मूले का स्क्वायर है उसको हम बाहर लगा लेंगे, ठीक है। मैंने इतना आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रही हूँ। तो आगे क्या करना है आपको, ये प्लस का है तो प्लस, ठीक। उसके बाद बी के स्क्वायर, यानी बी की जगह क्या लिखेंगे हम, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, और उसके बाद मैंने बताया फॉर्मूले के साथ भी स्क्वायर है तो उसको हम बाहर लिखेंगे, ठीक है। इतना किया, अब ये माइनस है तो माइनस, ठीक। अब ये टू है तो टू लिखेंगे, और ए की जगह क्या हो जाएगा, आप अब ए की जगह क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ठीक, और बी की जगह क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। ये हो गया हमारा, अब हमने तो पुट कर लिया, अब हमें सिंपली इसका हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये ए है, अब इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए अब ये टू ए का पहले तो ए तो हम ए एज इट इज़ लिख लेंगे। अब ये टू, अब ये स्क्वायर स्क्वायर इंटू हो जाएगा, क्या होगा, ए का स्क्वायर फोर हो जाएगा, ठीक है, ए सॉरी ए की पावर फोर हो जाएगी। अब क्या है आपका, अब ये प्लस है तो प्लस, ठीक। अब ये देखिए बी है तो बी लिखेंगे हम। उसके बाद ये देखिए टू एक अंदर दिया और टू बाहर स्क्वायर दिया है, तो अब टू टू हो गया आपका ये फोर, ठीक है। अब ये माइनस है तो माइनस, अब ये नंबर केवल यहाँ टू है तो हम टू करेंगे। अब ये ए का स्क्वायर है और यहाँ बी का स्क्वायर, तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो इसमें हमारा आंसर आ गया। हमने बस ये फॉर्मूला पुट किया और उसके बाद हमारा ये आंसर आ गया, ठीक। तो अब इसमें के बाद सेकेंड वाला पार्ट है, उसमें देखिए क्या करना होगा। अब यहाँ पर भी हम कुछ चेंजिंग करेंगे, ठीक है। अब तो देखिए यहाँ पर एक पार्ट ये ए है और ये बी है, ठीक है। जैसे कि देखिए अब ये a माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू में ये a प्लस बी, और उसके बाद ये a माइनस बी। अब देखिए अब इस तरह से फॉर्म होगा, तो हम इस तरह से भी हो सकता है, अगर इस तरह से हो तो ये भी ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये आपको पता होना है। अब क्या है, अब देखिए इसमें अब ये जो वाला जो है वो एक है, ठीक है, ए का स्क्वायर एक ये है, फिर बी के स्क्वायर की जगह क्या है, ये है, ठीक। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, अब इसको करेंगे हम यहाँ पहले लिख लेंगे, ठीक। अब ये ए की जगह क्या हो जाएगा आपका, ये टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, टू एक्स। अब ए की जगह आप केवल इसमें ये लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये हम बी की जगह लिखेंगे, हम ए की जगह बस ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक, टू एक्स प्लस फाइव। अब ये हमारा ब्रैकेट हुआ, ठीक। अब उसके बाद ये प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। अब बी, बी में क्या लिखेंगे हम, ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे, टू एक्स, ठीक, ये माइनस फाइव। अब यहाँ पे हमने तो आप बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है, ये हम एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। अब क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए अब ए माइनस बी है, ठीक। अब ए की जगह क्या हो जाएगा हमारा, ए की जगह ये वाला हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट लिखेंगे, टू एक्स प्लस फाइव, ठीक। अब
अब माइनस है तो माइनस, बी की जगह क्या हो जाएगा आपका सेकेंड वाला ब्रैकेट, तो सेकेंड वाला ब्रैकेट हम लिखेंगे यहाँ पे 2x-5, ठीक, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे हम। अब इतना किया, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो अब ये 2x हो गया 2x, ये प्लस 5 का प्लस 5, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस का 2x है तो प्लस 2x हो जाएगा, ठीक, 2x हुआ। अब यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस और ये 5, ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व हुआ। अब ये वाला देखते हैं, अब यहाँ देखिए 2x है तो 2x ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 5 भी ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, अब अंदर ये प्लस का है, इधर माइनस है, तो माइनस 2x, और ये देखिए माइनस, और बाहर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चेंजिंग आ जाएगी, यहाँ प्लस का 5 हो जाएगा। ये भी ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस का 5 है और यहाँ आपका माइनस का 5 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ सिंपली कट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर सेम हो और प्लस माइनस का हो तो कट जाता है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 2x है प्लस का है और यहाँ 2x माइनस का, तो ये भी कट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या बचा, अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, 2x प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा, हम ऐड कर लेंगे 2 2 4, और ये x का, ठीक है, 4x आ गया। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एक 5 यहाँ है और यहाँ 5 है, इसको भी ऐड कर लेंगे हम, ये 10 हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में देखिए, हमारा ये मल्टीप्लाई में चल रहा था, ठीक है, तो अब ये हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 10 4 40, और ये x है तो x आंसर हमारा आ गया, ठीक है। हमने बस यहाँ पे फॉर्म चेंज की, तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको आप बॉक्स में कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये हमने बॉक्स में कर लिया है, ठीक। अब ये इसी के हिसाब से हमने सारा क्वेश्चन ये किया पूरा, ठीक। अब चलिए थर्ड वाला पार्ट करते हैं, थर्ड वाले पार्ट में थोड़ा, अब यहाँ पे क्या होगा आपका, अब यहाँ पे कुछ चेंजिंग होगा आपका। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ माइनस था तो हम इसको चेंज करके कर ले रहे थे, बट यहाँ पे प्लस है, तो अब यहाँ पे तो हमारी कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं होगी, अब यहाँ पे हमें इसको और एक्सपेंड करना होगा, तब हमारी कोई आइडेंटिटी यूज़ होगी इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम इधर एक्सपेंड करेंगे इसको, ठीक है, 7m-8n का स्क्वायर प्लस 7m+8n का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लें हम। अब ये 7m है तो 7m का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस है, ठीक है, तो अब यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस लिखेंगे। उसके बाद ये 8n का स्क्वायर है, तो हम ये 8n का पहले प्लस वाला देख रहे हैं, ठीक है हम, तो ये प्लस 8n का स्क्वायर, ठीक है, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है, आपका ये ब्रैकेट में हो गया। अब क्या आता है हमारा माइनस, जैसे हम लोग प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे थे ना, तो बस हम अभी यहाँ के लिए प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी माइनस वाली यहाँ पे लग रही है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ए की जगह क्या हो जाएगा 7n, और बी की जगह क्या हो जाएगा आपका 8n, ठीक। अब ये हमारा एक ही हमारा एक्सपेंड हुआ, अब इसको एक्सपेंड करेंगे, ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब ये देखिए 7m है तो 7m का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ठीक। उसके बाद ये 8n है तो 8n का स्क्वायर, फिर ये प्लस है तो प्लस, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाए ए की जगह 7m, फिर बी की जगह 8n। हमने देखिए एक्सपेंड कर लिया एक एक करके, अब इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी थी तो उसके हिसाब से हमने इसको एक्सपेंड किया, और यहाँ प्लस की आइडेंटिटी थी तो हमने प्लस के हिसाब से इसको एक्सपेंड कर लिया, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। अब यहाँ देखिए 7m का स्क्वायर दिया तो 7 7 जब 49 हो गया है, और ये m का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस है तो प्लस, अब यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर, 8 8 जब 64 हो जाएगा, और ये n का स्क्वायर, ठीक है, n है ना, तो n का स्क्वायर। अब ये माइनस है तो माइनस, अब ये देखिए यहाँ पे 7 8 जब 56 हो गया है, और 56 2 जा हो गया आपका 112, ठीक, 112 हुआ, और ये m है तो m,
और ये एन है तो एन। अब यहाँ देखिए, अब क्या है आपका, ये प्लस, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब ये आपका आ गया 7m का स्क्वायर, फिर से आया तो 7 हो गया 49 और ये m का स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे भी 8 जा 64 और ये n का स्क्वायर, अब यहाँ प्लस, अब यहाँ 2 7 8 n है तो यहाँ पे 7 2 जा 14, 14 8 जा, ठीक यहाँ पे भी वही हो जाएगा। देखिए 7 8 जा 56, 56 2 जा 112 और ये m है तो m और ये n है तो n, ठीक है ये भी हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब देखिए यहाँ माइनस का 112 mn है और यहाँ प्लस का 12 mn है, 112 mn, तो ये कट हो रहा है आपका सिंपली। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए 49 m² और कहाँ है यहाँ पे, तो ये देखो लाइक टर्म है, आप लोग देखिए ये लाइक टर्म है, इसको हम ऐड कर लेंगे तो 49 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा आपका 98 और ये m का स्क्वायर। अब ये प्लस का प्लस, अब यहाँ देखिए 64 है और यहाँ प्लस का 64 है तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो 64 प्लस 64 128 आया और यहाँ n का स्क्वायर है तो n का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ तो हमारा 112 कट ही गया है तो हमारा क्या आंसर हुआ, ये हुआ, ठीक। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो अब ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4th है उसका हमने इस वीडियो में केवल 3rd पार्ट ही तक देखेंगे, आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।